दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है अंबर एंटरप्राइजेस। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों कंपनी 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, इशू प्राइस 859 रुपये था। शेयर की लिस्टिंग NSE और BSE पे 1237 रुपये पे हुई थी 30 जनवरी 2018 को। दोस्तों कंपनी एयर कंडीशनर बनाती है, एयर कंडीशनर से रिलेटेड सारे पार्ट्स बनाती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी बनाती है, वॉशिंग मशीन बना रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाती है। एयर कंडीशनर में ये विंडो एसी बनाती है, स्प्लिट एसी बनाती है, इन्वर्टर स्प्लिट एसी भी बनाती है। रूम एयर कंडीशनर में इंडिया में जितने भी एसी बेचे जाते हैं वो उसका करीब 24% हिस्सा इस कंपनी का है। ये कंपनी डायरेक्ट मार्केट में सेल नहीं करती, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए एसी बनाती है और वो इनसे एसी बनवा के अपना लोगो लगा के बेचते हैं। दोस्तों ये इन OEMs के लिए भी बनाती है, साथ में ये मेट्रो रेल्स के लिए बनाती है, रेलवेज के लिए बनाती है और दूसरी जगहों के लिए भी एसी ये बना के देते हैं। दोस्तों ये वॉशिंग मशीन भी बना रहे हैं, अभी हाल में ही इन्होंने एक कंपनी परचेस की है जो वॉशिंग मशीन बनाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी हैं, इन्होंने एक कंपनी खरीदी है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बनाती है। अब ये स्प्लिट एसी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में स्प्लिट एसी के कंट्रोल बॉक्सेस बनाते हैं, हर तरह के एसीस के कंट्रोल बॉक्सेस बनाते हैं। साथ में जो वॉशिंग मशीन है, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन जो ये बनाते हैं उसके BLDC से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाते हैं। ये मोटर्स भी बनाते हैं, ये एयर कंडीशनिंग में यूज होने वाली मोटर्स जो होती हैं उनको भी बनाते हैं। वॉशिंग मशीन के भी पार्ट्स वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो भी लगते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हर तरह के वो बनाते हैं। टेलीकॉम रेडियो के लिए रिमोट हेड यूनिट बनाते हैं, ये स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं, ये ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं, ये ECM मोटर के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली बनाते हैं, ये ढेर सारी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं जो इनके यहाँ यूज होती है ACs में, वॉशिंग मशीन्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये एक तरीके से AC से रिलेटेड सारी चीज़ें अपने यहाँ बनाते हैं और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सारी चीज़ें अपने यहाँ बनाते हैं। दोस्तों इनका एयर कंडीशनिंग वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इनका काफ़ी कंट्रोल है, जो ये चीज़ें बनाते हैं लगभग इन हाउस सारी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों आगे बात फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। 2020 में 3963 करोड़ की रिवेन्यू थी, 164 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 3031 करोड़ का रिवेन्यू था, 83 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 4206 करोड़ का रिवेन्यू था, 111 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 6927 करोड़ का रिवेन्यू था, 164 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 6729 करोड़ का रिवेन्यू था, 139 करोड़ का प्रॉफिट था। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो 2020 में 0.28, 2021 में 0.22, 2022 में 0.59, 2023 में 0.70, 2024 में 0.69। तो डेट टू इक्विटी तो बढ़ा है लेकिन रिवेन्यू साल दर साल बढ़ता गया है। 2021 से अगर देखते हैं तो 2021 से 3031 था, तो 2022 में 4206 था, तो 2023 में 6927 था, फिर 2024 में और 2023 लगभग फ्लैट हो गया। दोस्तों रिवेन्यू मोर और लेस बढ़ता जा रहा है हर साल और प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी के 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के 9 स्टेट में,
इंडिया के 9 स्टेट में 27 यूनिट्स हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी चीज़ों को। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, बड़ी कंपनी है, बड़ा काम है, खुद का ब्रांड नहीं है, OEMs के लिए बनाते हैं। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो जून 23 क्वार्टर में 1702 करोड़ का रिवेन्यू, 47 करोड़ का प्रॉफिट। सेप्टेम्बर 23 क्वार्टर की बात करें तो 927 करोड़ का रिवेन्यू, 6 करोड़ का लॉस। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 1295 करोड़ का रिवेन्यू, 1 करोड़ का लॉस। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 2805 करोड़ का रिवेन्यू, 99 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 का रिजल्ट आ गया है। जून 24 में रिवेन्यू 2401 करोड़ की है और प्रॉफिट 75 करोड़ का है। जून 23 से अगर कंपेयर करते हैं तो 1702 करोड़ का रिवेन्यू जून 23 में था और 47 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जून 23 से अगर 24 जून 24 के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ये बताता है कि ग्रोथ कितनी होने वाली है। चूंकि जून में भी AC काफ़ी बिक चुके होते हैं तो जून 23 में 1702 था, जून 24 में 2401 है, तो इतने परसेंट की ग्रोथ आगे दिखती है। AC की डिमांड काफ़ी है, ग्रोथ रिवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी है, लगभग 33% की ग्रोथ रिवेन्यू में है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ 1.5 गुने की है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा क्वार्टर गया, शानदार क्वार्टर के रिजल्ट, लेकिन ये बताता है कि इसी हिसाब से ग्रोथ आगे बढ़ जाएगी। मतलब कंपनी के रिवेन्यू 2025 के जो फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आएंगे, ये तो पहला क्वार्टर है, 2025 का जो फाइनल फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आएंगे मार्च 25 में, वो अभी से सिम्टम दिख रहा है कि बेहतर आएंगे। दोस्तों FIs के शेयर 28.42% है, DIs के शेयर 15.73% है, पब्लिक के शेयर 15.99 है, प्रमोटर के शेयर 39.87% है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.69 है, रिजर्व और सरप्लस 2031 करोड़ का है, कंपनी ने कर्ज ले रखा है 1539 करोड़ का। दोस्तों शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 613 रुपये है, 52 वीक लो 2337 रुपये है, 52 वीक हाई 4888 रुपये है, शेयर की प्राइस 26 जुलाई 2024 को 4380 थी, स्टॉक का पी 91.7 है, सेक्टर का पी 95.83, लगभग बराबर पे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है, बोनस की हिस्ट्री नहीं है, राइट इशू की कोई हिस्ट्री नहीं है और स्टॉक स्प्लिट की कोई हिस्ट्री नहीं है। दोस्तों ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, ये मैंने एक रिसर्च की थी जो ये बताने, इस रिसर्च से मैंने ये बताने की कोशिश की कि शेयर हर साल बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी काफ़ी बढ़ रही है, चूंकि सेगमेंट ऐसा है AC का, वॉशिंग मशीन का और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो हर साल बढ़ रहे हैं, उसकी परचेजिंग हो रही है और उसमें ग्रोथ भी है। दोस्तों ऐसा लगता है कि कंपनी हर साल अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगी और शेयर की वैल्यू अनलॉक होगी। ये शेयर पोर्टफोलियो शेयर बनना चाहिए, ये शेयर पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों मैंने जो रिसर्च की उससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि कंपनी की ग्रोथ दर साल अच्छी खासी होगी, क्वार्टर ओवर क्वार्टर अच्छी खासी होगी और ये पोर्टफोलियो का शेयर बनने के लायक है, ये मेरा रिसर्च कहता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ये मेरा एक रिसर्च था, इस रिसर्च का यूज आप अपने रिसर्च के लिए करें और उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात डिस्कस करने के बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। मेरे रिसर्च के बेस पे न तो शेयर खरीदें आप और न ही बेचें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन को, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो आप को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के कुछ फायदा उठा सकें। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।